ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड जैसे गाइस आप लोग थंबनेल भी आपने देखा होगा गाइस आप मतलब समझ गए होंगे कैसी वीडियो आज मतलब कैसी इस वीडियो में कैसी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं आपको। तो गाइस ये जो फोटो एडिटिंग है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड गाइस आप लोगों को एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करनी है। आप लोगों को इसको स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं, आपको मतलब कि आपने एनएक्सपी पिक्चर की वाली वीडियो देखी होगी जिसमें कि भाई ने मतलब कि काफी एकदम मतलब कि प्रैक्टिकली करके दिखाई कि आप कैसे शूट कर सकते हो। बट गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाइस आप लोग एडिट कैसे कर सकते हो। ठीक है, शूट तो यार मतलब क्या हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यार हर किसी के पास कैमरा नहीं है, हर किसी के पास एक रूम नहीं है जिसमें वो ऐसे शूट कर पाए एंड लाइट वगैरह तो ऐसे नहीं हो पाता ना। तो मतलब मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग एडिट कैसे कर सकते हो, आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एंड आपको मैं बैकग्राउंड पेजेस भी दूंगा जो कि गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एंड गाइस मैंने अभी पिछली अभी मतलब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमें जो है मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिलते बट उसमें जो है उस लिंक में जाने के बाद हमें वहाँ पर पीएनजी शो नहीं हो रहे। तो गाइस वही मतलब ये मैं प्रॉब्लम जो है मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं काफी टाइम से, बट यार मैं अभी मतलब कि जैसे ही हो जाएगा सॉल्व तो वो आपको पता चल जाएगा। भाई गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है बैकग्राउंड पेजेस डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को इसमें लिंक भी दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव की। अगर आपको उसमें से मिल जाता है तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज अगर आपको वहां से डाउनलोड नहीं होते हैं बैकग्राउंड पेजेस तो आपको टेलीग्राम का जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है मैं वहां पे भी बैकग्राउंड पेजेस दे दूंगा, आप लोग वहां पे सिंपली टेलीग्राम में जाके आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना बैकग्राउंड पेजेस एंड जहां से आपको लगे कि जहां से डाउनलोड हो सकता है वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, आपको दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है एंड जो बैकग्राउंड का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप सभी को क्या करना है आपको आप सभी को जाना ऐड फोटो में गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। ठीक है गाइस यहाँ पे मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से रेज कर रखा है एंड जिनको बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो जाकर देख लेना उस वीडियो को। अब गाइस यहाँ पे जब आप मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है आपको सिंपली अपने बैकग्राउंड में से फिट कर देना अपने मॉडल को, देन उसके बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को कर देना डन। आफ्टर दैट गाइस आप सभी को जाना ऐड फोटो में एंड उसके बाद आप सभी को गाइस यहाँ से आपको एक सीक्रेट का पीएनजी होगा गाइस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको उसका साइज छोटा करके एंड आपका वो अपने फिंगर्स के पास जो है कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देना है अच्छे तरीके से एकदम कम ओपेसिटी करके चेक कर लेना, अगर वो अच्छे से ऐड हो गया हो तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं हुआ हो तो कर लेना। फिर उसके बाद आपको रेजर टूल में जाना है एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे रेजर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद इसकी हार्डनेस को फुल कर देना है एंड हार्डनेस को फुल कर देने के बाद साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के आपको सिंपली इस तरीके से आपको इरेज करना है। ठीक है, इरेज इस तरीके से करना है कि गाइस रियलिस्टिक लगना चाहिए, गाइस फेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इरेज करना है एंड उसके बाद जब आप गाइस इतना काम कर लोगे तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से फील एंड यहाँ पे देखिएगा इस कुछ जो आपके फिंगर्स के पास भी आ रहा होगा उस एरिए को तो आप लोग ध्यान से रखना एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर देना एंड उसके बाद जो यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सिंपली कर देना है डन। अब गाइस उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक स्मोक का पीएनजी। ठीक है, एंड गाइस आपको स्मोक का पीएनजी ऐड करने के बाद जो यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लैक ब्लैक आएगा तो आपको ब्लेंडिंग मोड में जाकर स्क्रीन कर देना, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। देन आपको उसके बाद क्या करना है आपको अपनी फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद आपको जो सिगरेट के पास जो है कुछ इस तरीके से आपको उसको रख देना है। ठीक है, ऊपर से गाइस आपको एक दिख रहा होगा पीएनजी में जो एक लाइन टाइप की दिख रही है गाइस। ठीक है, तो आपको इसको रेज करने के लिए आपको यहाँ पे साइज इंक्रीज करना है, हार्डनेस कम करना है एंड इस तरीके से रेज करना है। तो गाइस इस तरीके से रेज नहीं करना आपको यहाँ पे मतलब अंडो कर लेते हैं अच्छे से करते हैं इसको रेज, मतलब कि यहाँ पे हार्डनेस भी कम ओपेसिटी भी कम कर लेते हैं एंड यहाँ पे गाइस फिर इरेज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब कहीं ज़्यादा इरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको उसकी ओपेसिटी जो हल्की सी कम कर लेनी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फोटो को डन कर लेना, अब इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस यहाँ पे आपको जाना ऐड फोटो में दोबारा से, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है ये पीएनजी। ठीक है, कलर्स के पीएनजी ये दोनों एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको फिर क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से एंड फुल स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेना एंड उसके बाद आपको ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको करना है यहाँ पे आपको ओवरले। ठीक है, ओवरले करना है। अभी गाइस कलर जो है थोड़ा फीका फीका लग रहा है, अभी देखिएगा जिसमें हम जान डालते हैं। आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको ये वाली लाइट की पीएनजी मिलेगी गाइस। ठीक है, आपको इसको यहाँ पे ऐड करना है, इसको ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे करना है इसको साइज को इंक्रीज करना है गाइस। ठीक है, जितना हो सके उतना एंड उसके बाद आपको उसको साइड में इस तरीके से रखना है। ठीक है, हल्का हल्का जैसे रख के साइड में एंड चाहो तो ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। देन इसका डुप्लीकेट करना है एंड इसको यहाँ पे रोटेट कर लेना है। रोटेट कर लेने के बाद आपको इस साइड में ले आना है इसको इस तरीके से। अभी गाइस आप बोलोगे यार तो ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे, तो ब्लू कलर नहीं चाहिए, येलो कलर चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ह्यू में। ह्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ढूंढ लेना है येलो कलर एंड यहाँ पे जब आपको येलो कलर मिल जाए तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली इसको डन करना है।
डन कर देने के बाद आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, पहले हम इसे डन कर लेते हैं एंड उसके बाद अगर इसकी ओपेसिटी आपको कम कर लेनी, क्योंकि इस साइड में जो आपका येलो कलर है वो थोड़ा कम है, तो आपको इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी इस तरीके से। एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो को जो यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है, फोटो को डन कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको अगर यहाँ पे जो है मतलब कि अपनी फोटो को यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। अभी सेव करना है मतलब कि जो कलर करेक्शन है ना, कलर करेक्शन करके जो फोटो में असली जान आएगी ना गाइस, वो कलर करेक्शन के बाद ही पता चलेगा आप सभी को। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे लाइटनेस में जाना, पहले लाइट करेक्ट करना है, तो पहले उसके लिए आपको कॉन्ट्रास्ट जो है इसका यहाँ पे बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे कम कर देना है एंड जो उसके बाद शेडो है आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद जो यहाँ पे व्हाइट है जिसको यहाँ पे कम कर देना है एंड जो ब्लैक है जिसको भी यहाँ पे कम कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है एंड फोटो का जो टेम्परेचर है उसको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग कम कर देना है। देन आपको आपको जाना है यहाँ पे मतलब कलर्स में, आपको मिक्स ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके आपको सैचुरेशन माइनस करना है, लुमिनस बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना है येलो कलर में, येलो कलर में जाने के बाद आपको ह्यू यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है एंड यहाँ पे सैचुरेशन प्लस कर देना है। देन आपको यहाँ पे जाना कलर डार्क ब्लू में, आपको उसका ह्यू माइनस करके सैचुरेशन जो है इसको भी थोड़ा कम कर लेना ताकि जो ब्लू स्काई ब्लू में बदल जाए। एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे स्काई ब्लू में, आपको जो स्काई ब्लू है इसका ह्यू बढ़ा देना है एंड जो ल्यूमिनस है इसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड जो सैचुरेशन है इसको भी हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है। देन उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको नीचे वाले टूल में जाना है। देन आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विग्नेट डालना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जो विग्नेट अपनी फोटो में हल्का हल्का डाल देना है। देन आपको ग्रेन माउंट भी इंक्रीज कर देना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड फाइनली गाइस देखिए हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ आप सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।